नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस यूट्यूब के वीडियो में। आज कुछ बात करूंगा मिल्क के ऊपर, दूध के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि हम लोग बहुत सारे बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, इतना सारा दवाई ले रहे हैं, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, फिर भी हम अच्छे नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि मिल्क का कोई साइड इफ़ेक्ट है क्या, नहीं, किस तरह का मिल्क। मैं अपने हर वीडियो में जिक्र करता हूँ कि देसी गाय का दूध पीजिए, जर्सी और पैकेट वाला, ये भैंस वाला, ये सब मत पीजिए। मैं अपने हर वीडियो में जिक्र करता हूँ जो भी कमेंट्स में पूछते हैं। और इसके नज़र रखते हुए भी बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि आप लोग क्यों देसी गाय को इतना महत्व दे रहे हैं और दूसरे जर्सी पैकेट वाले दूध को क्यों मना कर रहे हैं। डॉक्टर तो बोलते हैं कि आप गाय का दूध पीजिए, हड्डियाँ मजबूत बनेंगी, ग्रोथ आएगा, ये सब फलाना 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 किताबों में भी लिखा है और दूसरे जो बड़े बड़े एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो भी बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आपके लिए एक वीडियो बना ली जाए क्यों मैं मना कर रहा हूँ इन सब, मिल्क का पीछे राज क्या है। और शायद आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते हैं, जानकर भी अनजान बनते हैं और वही चीज़, वही गलतियाँ दोहराते हैं। वही दूध सब पीकर, चाय में इस्तेमाल हो चाहे कहीं पर भी इस्तेमाल हो, जहर तो जहर होता है। अब मैं जहर क्यों बोल रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि किताबों में, बहुत सारे साइंस की किताबों में, मेडिकल की किताबों में कहा गया है दूध इज अमृत, जो बोलते हैं ना अमृत, लेकिन मैं उसको जहर क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारा कारण है उसके पीछे। जो अमृत था पहले, लोगों ने अपनी मतलब के लिए उसको जहर बना दिया है। क्या मतलब है, किस मतलब के लिए, ज़्यादा बिजनेस हो, ज़्यादा बिजनेस हो, क्योंकि उसका डिमांड बढ़ रहा है, इसीलिए उन्होंने उसको जहर बना दिया है। अब गाय की दूध की बात करें तो देसी गाय तो बचा नहीं है, आप लोग जानते होंगे, किसी से भी बोलो अरे भाई देसी गाय का दूध पियो, बोलता है कहाँ मिलता है सर देसी गाय का दूध, आजकल कहाँ मिलता है, मिलता नहीं है ना। लेकिन दूध वो लोग लाते हैं, बिना दूध के तो बच नहीं सकते, जर्सी गाय वाला, पैकेट वाला, ये सब दूध लाते हैं और कोई कोई भैंस वाला भी दूध लाते हैं। तो बात सोचने वाली यह है कि अगर दूध तो ज़मीन से या पेड़ों से या आसमान से तो गिरती नहीं है, गाय से ही बनती है और दूसरे जानवरों से बनती है, लेकिन वो इतने तवज्जो नहीं दी जाती, ज़्यादातर गाय और भैंस से ही बनती है। लेकिन जिस चीज़ से बनती है ये दूध, उसको ही आज समाप्त कर दिया जाता है, ख़त्म होता जा रहा है, वो उनकी नस्ल ख़त्म होती जा रही है। तो आता कहाँ से है इतना सारा दूध, पॉपुलेशन तो बढ़ता जा रहा है। सोचने वाली बात है कि जो चीज़ प्रोड्यूस करता है दूध वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो कहाँ से आता है ये दूध, किस तरह से इसको बनाया जाता है, ज़रूर इसमें कुछ घपला तो होगा। अब ऐसी भी चीज़ नहीं है कि उसको प्रोड्यूस करने में डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, और इसका मतलब ये है कि उसको कहीं ज़मीन से खोद कर या आसमान से ऐसे गिर रहा है या फिर पर्वत के झरने से ही आ रहा है और वो लोग आपको दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, ऐसी भी चीज़ नहीं है। गाय से ही लाएंगे वो लोग, अगर डिमांड बढ़ेगा तो वो कहाँ से सप्लाई करेंगे। सोचने वाली बात है, लॉजिक बात है, ध्यान से कभी थोड़ा सा 5-10 मिनट आपको भी राहत मिले ना तो बिल्कुल सोचिए। तो नॉर्मली जो दूध बननी चाहिए वो नहीं बनती आजकल की दुनिया में, गाय जो नॉर्मली दूध देती है वो नहीं दे पाती। क्यों नहीं दे पाती, उसका बहुत सारा कारण है। अब नॉर्मल एक गाय 1 साल 1.5 साल में एक बच्चा देती है, लेकिन अब डिमांड बढ़ रहा है तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि साइंटिफिक ऐसा कुछ चीज़ों, ऐसे कुछ हार्मोनल इंजेक्शन की, कुछ ऐसे टैबलेट्स की उन लोगों ने उद्भावन कर लिया है, जो कि गाय को अगर दे दें तो दूध की उसकी जो कैपेसिटी होती है, किसी में अगर 10 लीटर देने की कैपेसिटी हो तो 20 लीटर हो जाती है, 15 लीटर हो जाती है। अब वो हार्मोनल इंजेक्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा किया गया है, तैयार किया गया है, तो
उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, लेकिन हम सब नहीं जानते, क्योंकि अंदरूनी तौर पर जाकर हम लोगों को तिल तिल करके मार रहा है, अंदर से दीमक की तरह खोखला कर रहा है, लेकिन हम लोग नहीं जान पाते। अचानक हमको वो मार डालता तो लोगों के मन में शायद भय हो जाता, लोग शायद उससे थोड़ा बच जाते, लेकिन वो तिल तिल करके अंदर जाकर अंदर से खा खा कर हमको तरह तरह की बीमारियां पैदा करके मार रहा है। इसलिए हमको पता नहीं चल रहा है। अरे भाई, हम सब लोग सोच रहे हैं क्या पता इससे ही हो रहा हो, दूसरे भी चीज़ है, ये भी लॉजिक देते हैं बहुत सारे लोग। आप कैसे कह सकते हैं कि दूर से ये बनता है, ऐसे नहीं भी बोल सकते, लेकिन है। बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं जो जिससे पता चला है कि वो चीज़ बिल्कुल हार्मोनल जो दी जाती है उनको, ऑक्सीटोसिन कह लो और सोमाटोट्रोपिन करके एक आता है, बोवाइन सोमाटोट्रोपिन, जो कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है जेनेटिकल इंजीनियरिंग में, वो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ गाय को नॉर्मल से ज़्यादा ग्रोथ करती है उसकी, तो उसके जो थन होते हैं वो भी बड़े हो जाते हैं, दूध भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा सप्लाई होंगे। तो ये जस्ट फॉर बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो लोग आर्टिफिशियल हार्मोन की जो पैदावार करते हैं और लोगों को सप्लाई करते हैं। ऑक्सीटोसिन वैसे तो बैन हो गया, लेकिन चोरी छुपे बहुत सारे जगहों पर ये दिया जाता है लोगों के द्वारा, क्योंकि दूध की डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई भी तो करना चाहिए। सरकार बैन करे तो क्या, हम तो चोरी छुपे करेंगे, बहुत सारे जगह पर ऐसा हो रहा है, लोग उस दूध को चाव से पी रहे हैं, चाहे कोई भी कंपनी का हो, पैकेट वाला हो, आराम से लाकर 5-7 पैकेट दिन में यूज कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्यों हम जाने अनजाने में क्यों इस जहर को यूज कर रहे हैं। अगर आपको दूध पीना है, मैं तो मना नहीं कर रहा हूं, 4-5 देसी गाय पाल लीजिए, 10-15 लोग इकट्ठे होकर एक जगह ले लीजिए, वहां पर पाल लीजिए, किसी एक इंसान को रख लीजिए वहां पर, वहां से जो अच्छी दूध होगा, देसी गाय का दूध में वो पॉइजन नहीं होता, उससे आप जो 5-7 घर आपने इन्वेस्ट किया है वो आप यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा, आपको जहर से भी बच जाएंगे। दूसरी चीज है जो मैं कह रहा हूं, हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है, उसके साथ साथ और एक चीज भी किया जाता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बच्चा पैदा करना, नॉर्मली नहीं होता, वो लोग बाहर छोड़ते नहीं, घर में बंधे हुए रहते हैं और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं किसी दूसरे ऐसे सांड से जो कि आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है भाजना के थ्रू गाय के, जिससे बच्चा पैदा होता है, और ये बहुत ही क्विकली किया जाता है क्योंकि उनको दूध बहुत ही फास्ट चाहिए, जो नॉर्मली 1-1.5 साल में होना चाहिए वो 6-8 महीने 10 महीने में वो बार बार इंसेमिनेशन करते हैं ताकि बच्चा बहुत जल्दी जल्दी पैदा हो। कुछ लोग ये डेयरी के लिए यूज़ करते हैं दूध के लिए, कुछ लोग मांस के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो दूध उससे निकलता है जो भी डेयरी फार्म में, वो किस हद तक हमारे सेहत के लिए सही है, आप लोग अगर ठंडे दिमाग से अगर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत सारी बीमारियां इससे हो रही है, डायबिटीज से लेकर बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, कैंसर तक होती है, प्रोस्टेट कैंसर और दूसरे ब्रेस्ट कैंसर और बहुत सारे ऐसे कैंसर होते हैं क्योंकि हार्मोनल इंजेक्शन वहां से दिया जाता है। आजकल बीमारियों बढ़ने का सबसे मूल कारण यही है, लोगों की आंखें नहीं खुल रही है, इतनी सारे जानने के बाद, इतने सारे लिटरेचर आने के बाद, इतने सारे मैगजीन से निकलने के बाद, जर्नल्स में पब्लिश होने के बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। छोड़ो अनएजुकेटेड लोग तो छोड़िए, इलिटरेट लोग छोड़िए, जो लिटरेट है वो भी नहीं समझ रहे हैं, अचानक अजीब सी बात है ना, जो इलिटरेट है अरे चलो वो तो जर्नल पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो तो पेपर में जो निकल रहा है वो तो पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन जो लिटरेट लोग हैं वो भी जर्नल्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो भी साइंटिस्ट जो रिसर्च हुआ है अभी क्या क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, उनका क्या खामियां जाए वो भी नहीं जान पा रहे, अजीब सी बात है, जानकर भी अनजान बन रहे, तो इसका क्या मतलब है, हम लोग मौत को खुद खींच के अपने ओर ला रहे हैं, खुद खाई में गिरना चाहते, खुद कुएं में गिरना चाहते, तो आपको कौन बचाएगा। अगर हम जानबूझकर खुद ही अगर कुएं में गिरना चाहे तो कोई हमें बचा नहीं सकता, हम सोचेंगे कि भगवान आएगा हमें बचाएगा, अगर हो तो सच में कोई नहीं बचा सकता भाई, भगवान है भी तो अगर आप जानबूझकर जाकर कुएं में गिरेंगे तो कोई नहीं बचा सकता आपको, आगे आपकी मर्जी, जो मेरा बोलना था मैंने बोल दिया, और वही हार्मोनल वाला है दूध पीते रहिए, लाखों रुपए खर्चा करके डॉक्टर को फीस गिनिए, दवाई खाइए, और अंत में राम नाम सत्य है। धन्यवाद।